हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। एज आई हैव टॉट यू अबाउट खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स इन लास्ट वीडियो, टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। व्हाट इज द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन? Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जब बीज बोते हैं तो ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है ये This is very important topics to product the well crop. First of all, preparation of soil. Preparation of soil. Secondly, sowing Third, adding manure and fertilizers. Fourth, irrigation. Fifth, protecting from weeds. Harvesting six. Now lastly, storage. These points are very most important points, and these tasks are very most important tasks which are done by farmers to product the well crop. तो सबसे पहले अच्छी फसल उगाने के लिए एक किसान को चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मिट्टी को तैयार करना होता है। किसी खेत की मिट्टी को सबसे पहले तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद दूसरा स्टेप आता है सोइंग, बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद उसमें खाद, जैविक खाद हो या रासायनिक खाद हो, उसको मिलाना होता है। नंबर चौथे में आता है इरिगेशन, यानी फिर सिंचाई करनी होती है।
सिंचाई के बाद फिर आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो खरपतवार है, वीड्स मींस अनडिजायरेबल वेस्ट प्लांट्स, जो खरपतवार जम जाते हैं फसल के साथ, उससे प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, उससे कैसे बचाया जा सकता है। उसके बाद आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग और लास्टली स्टोरेज, तो ये सारी चीजें अति आवश्यक होती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, शोइंग, बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें खाद और रासायनिक उर्वरक मिलाना, इरिगेशन, फिर सिंचाई करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से बचाव करना, हार्वेस्टिंग, फिर कटाई करना, मड़ाई करना, कटाई करना, मड़ाई करना, और उसके बाद स्टोरेज, उसका स्टोरेज करना, रख रखाव करना। तो ये सारी चीज़ें हमें एक किसान को देखनी पड़ेगी। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आता है बच्चों। फर्स्ट ऑफ देखिए, हमारे पास एक लॉ है, प्लॉ खेत जोतना भी होता है और प्लॉ एक हल भी होता है, ठीक। तो हल जो होता है बच्चों, सीधे एक जो हल है इस तरह से मैं बना देता हूं, ये आता है प्लॉ शाफ्ट। ये आता है प्लॉ शेयर। इस तरह से एक सामान्य सा एक साधारण हल है जिसको गांव ग्रामीण क्षेत्र का किसान यूज करता है खेतों में। जहां ट्रैक्टर नहीं होते हैं वहां इस हल का प्रयोग बैलों के साथ इसको लगाया जाता है और इससे मिट्टी तैयार की जाती है। प्लाउ, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स। ये एंशियंट टाइम में इसका यूज किया जाता है, फ्रॉम टिलिंग द सॉयल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉयल। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप्स कॉल्ड प्लॉशियर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लॉ शाफ्ट। देर इज अ हैंडल एट ऑन द एंड ऑफ द शाफ्ट
The other end is attached to beam, which is placed on the bull's neck, on pair of bulls, and a man can easily operate the plow. तो इस तरह से इसको वो किया जाता है और ये हैंडल का कार्य करता है. इस तरह से और ये प्लाव शेयर हो गया और ये प्लाव साफ्ट हो गया. इसको बैलू में बैलू को एक कंधे पर इसको लगाया जाता है. इस तरह से एक लॉग होता है इसमें, ठीक, और बैल ऐसे लगाए जाते हैं. तो इस तरह से ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है इसको आप ध्यानपूर्वक घर में उतारिए और करिएगा. नेक्स्ट वीडियो में बाद में डालूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद.